इन्होंने मुझे ईमेल किया, तो ईमेल के थ्रू ये मेरे से जुड़े। और आपको भी दोस्तों ऐसे मेरे से जुड़ना है और अपने एक रिव्यू शेयर करना है तो मुझे अभी ईमेल करो नीचे दी गई आईडी पे, मैं आपको उस पर जल्द से जल्द रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपका फिर स्वागत है राइड विद माय वे की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों जो आज की वीडियो आने वाली है अर्टिगा के ऊपर, इंडिया की फेवरेट कार है ये एमपीवी में, वो क्यों है आज सारा बताने वाला हूं। दोस्तों ये गाड़ी उन्होंने क्यों ली, कौन सा मॉडल है, इसमें स्पेशली क्या देख के लिया है, वो सबको पता ही होगा कि सीएनजी की अर्टिगा सिर्फ सीएनजी के चक्कर में बहुत बिकती है और बहुत ही पॉपुलर है। आज पूरा जानते हैं इसके बारे में और पूरा बताता हूँ कितने की पड़ी ऑन रोड। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, लाइक कर देना, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही तो मेरी वीडियो देख पाओगे यार। और अच्छा हमको सिखा रहा है, बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, आप देख पा रहे हो कि कुछ गाड़ी की चाबी है सिंपल की मिलती है आपको, जैसे मारुति की और फेवरेट की है ये सिंपल सी, और ये VX वेरिएंट है। वीडियो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून। गाड़ी के अगर अंदर चलते हैं और बताता हूँ गाड़ी अंदर से कैसे दिखती है। वैसे ऑल दो आपको पता ही होगा कि लेकिन सर ने इस गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत कराई हुई है जो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, और ये कलर भी बहुत प्यारा है, आप देख पा रहे हो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है कलर देखने में। गाड़ी की अगर अंदर चलते हैं, गाड़ी को एक बार अनलॉक कर लेते हैं। गाड़ी अनलॉक कर ली, आप देख पा रहे हो डोर हैंडल दोस्तों क्रोम के नहीं आते, ये आफ्टर मार्केट एसेसरीज का पार्ट है। पर गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको गाड़ी दिखाता हूं अंदर से कैसे दिखती है। आप ये कुछ देख पा रहे हो गाड़ी का इंटीरियर जो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये आफ्टर मॉडिफिकेशन के बाद। आप देख सकते हो कि कुछ गाड़ी की कीज है ये डोर हैंडल्स पे, जो कि काफी प्रीमियम लगती है आफ्टर मार्केट की मॉडिफिकेशन के बाद। बाकी ऑल तो इनकी क्वालिटीज है वो इतनी अच्छी मैं नहीं बोलूंगा, आप देख पा रहे क्वालिटी बटन की इतनी ओके नहीं है। आप देख पा रहे कुछ गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ सामने देख सकते हो आप, जो एकदम नॉर्मल से आता है वो ही आता है इसके अंदर। और ये देख पा रहे हो सीएनजी का कुछ सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो सीएनजी के शिफ्ट करने का सिस्टम है, सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी। ये लाइट का लेवलर आगे देख सकते हो आप दोस्तों। स्टेयरिंग व्हील इसका काफी प्रीमियम लगता है मुझे, क्योंकि इसमें डी कट स्टेयरिंग आता है जो काफी अच्छा देख पा रहे आप। और जो स्टेयरिंग की हैंडलिंग है वो भी ऑल दो बेस्ट नहीं है बट ओके है, इतनी बुरी भी नहीं है। कुछ गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप सामने देख पा रहे, नॉर्मल सा है, सीएनजी और पेट्रोल दिखा रहा है, और जो ब्लिंक कर रहा है गाड़ी वाले इसका मतलब गाड़ी सीएनजी पे चल रही है और पेट्रोल पे गाड़ी नहीं चल रही है। जो ये गाड़ी का आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाऊं तो गाड़ी दोस्तों गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है, ये आप लगा लो गाड़ी की एक हफ्ते वाली इन्होंने डिलीवरी ही ली है। और डिलीवरी लेने के बाद इन्होंने जस्ट डिलीवरी ली और थोड़ा बहुत गाड़ी में काम वाम कराया, इन्होंने मुझे ईमेल किया तो ईमेल के थ्रू ही मेरे से जुड़े। और आपको भी दोस्तों ऐसे मेरे से जुड़ना है और अपने एक रिव्यू शेयर करना है तो मुझे अभी ईमेल करो नीचे दी गई आईडी पे, मैं आपको उस पर जल्द से जल्द रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे हो कुछ इसका टूट इनका इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्योंकि VX वेरिएंट है दोस्तों। सीएनजी में सिर्फ VX वेरिएंट ही आता है, उसके अलावा और कोई वेरिएंट नहीं आता है, सब कुछ नॉर्मल ही है। आपको पता है कि VX वेरिएंट में क्या कुछ आता है, आपके यहाँ पे मैनुअल मिलता है, लाइट्स मिलती है, देख पा रहे आप ये लाइट्स भी आफ्टर मार्केट देख सकते हो, इन्होंने मॉडिफिकेशन कराई है। ये इसका माइक, ये इसका वैनिटी मिरर, सिंपल देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे टिकट होल्डर है। अगर मैं गाड़ी को आपको पीछे से मैं दिखाऊं तो गाड़ी की स्पेस है बैक सीट की, इससे जो आगे की सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट हो रखी है एकदम खुली खुली। और मैं अगर आप पीछे बैठता हूँ तो पीछे बैठने के बाद जो स्पेस बचेगी ना कुछ ऐसे बचेगी, देख पा रहे आप। और जो मेरी हाइट है, मेरी हाइट करीब 6 फीट के आसपास है और स्पीड इतनी कुछ स्पेस है। ऑल दो ये बेस्ट नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कम भी नहीं है, आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो इसके अंदर, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। ये कुछ डैशबोर्ड देखता है इसका आगे का, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, प्रीमियम लग रहा है यार। मतलब जो ये कलर कराया ना, उन्होंने बरगंडी कलर कुछ करवा रखा है जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहा है देखने में। आपको पीछे इसमें कुछ नहीं मिलता हैंडल्स वगैरह, ये कुछ चार्जर देख पा रहे हो, 12 वोल्ट का चार्जर है। और कुछ बैक की लुक देख सकते हो आप दोस्तों, बैक की सीट की लुक भी काफी ठीक है, मतलब सीट साथ सो कंफर्टेबल। सीएनजी का स्टिकर भी लगा हुआ सामने देख पा रहे हो आप। बाकी दोस्तों इनके ओनर से एक बार बात करते हैं, इनके ओनर से मिलते हैं और बताता हूं मैं आपको कि गाड़ी लेने का मकसद क्या था। अगर दोस्तों वीडियो को अब तक लाइक नहीं है तो लाइक कर देना यार, क्योंकि आपकी एक लाइक से ना मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है आपके भाई का। तो मिलते हैं इनके ओनर से, स्टे ट्यून। दोस्तों गाड़ी के ओनर हमारे साथ आ चुकी है, इनका नाम अजय जी है, तो सबको अभी हाय बोल दो यार। हेलो।
सो अजय जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ कि आपने अर्टिगा ही क्यों परचेज करी यार? देखिए, अर्टिगा मेरा लेने का एक रीजन था कि ये सीएनजी व्हीकल है, ठीक है, और सीएनजी व्हीकल के साथ साथ इसके अंदर स्पेस बहुत अच्छा है। ओके, मुझे 7 सीटर में जाना था। पहले जो मेरी गाड़ी थी वो i10 थी, तो i10 जो पेट्रोल मॉडल था उसके अंदर 5 सीटर थी, मुझे 5 सीटर में कोई लेनी नहीं थी, मुझे 7 सीटर जाना था। 7 सीटर के अंदर सीएनजी अर्टिगा से बेस्ट मुझे ऑप्शन कोई और नहीं लगा। आपकी मेन प्रेफरेंस वो सीएनजी थी? मेरी मेन प्रेफरेंस सीएनजी थी। मतलब आपको, आपको जो डेली डेली की जो रनिंग है वो 50-60 किलोमीटर डेली की रनिंग है। ओके, सो दैट्स व्हाई यू प्रेफर सीएनजी, राइट? हां, मैंने। तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस थी वो थी एमपीवी? सेकंड प्रेफरेंस मेरी एमपीवी थी, 7 सीटर। ठीक है, सो सीएनजी लेने के बाद आप इससे मतलब सैटिस्फाइड हो? पूरे सैटिस्फाई है। ठीक है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये गाड़ी ऐसी है कि सीएनजी से अगर पेट्रोल में कन्वर्ट होती है पता नहीं लगता, और आपको पता भी नहीं लगता कि सीएनजी के अंदर जो गाड़ी चल रही है इसकी जो पावर होती है नहीं पता लगता कि आप सीएनजी व्हीकल चला रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली मैंने सीएनजी गाड़ी और भी चलाई हुई है, तो और सीएनजी के व्हीकल के अंदर क्या होता है कि उसका पिकअप जो है थोड़ा कम रहता है, बट इसके अंदर पिकअप में ऐसा कुछ भी नहीं है। पिकअप इसके अंदर सीएनजी और पेट्रोल में दोनों पिकअप सेम है बिल्कुल। सो ये काफी अच्छी बात है। बेसिकली जो कंपनी की सीएनजी की आती है वो काफी प्रीमियम और काफी रिफाइंड आती है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, कंपनी फिटेड सीएनजी है, और सीएनजी का कंपनी फिटेड सीएनजी, सीएनजी का नॉब भी इसमें बैक साइड में ही है जी, और आगे मीटर में भी सीएनजी आती है, दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है, मतलब काफी अच्छी बात है। फ्यूल गेज जो मीटर गेज में दोनों सीएनजी में और पेट्रोल दिखाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी अच्छी बात है। बिल्कुल, मतलब अर्टिगा लेने के बाद आपको मतलब जो आपकी प्रेफरेंस है आपको सब कुछ पूरी हो रही है, राइट? पूरी हो गई है। मेरे को 4 महीने की वेटिंग में गाड़ी मिली है। 4 महीने की वेटिंग आने के लिए 4 महीने मैंने वेट किया, तो इसलिए किया ना क्योंकि मुझे गाड़ी पसंद थी। बिल्कुल, मुझे कहीं और ऑप्शन पे जाना ही नहीं था। बिल्कुल, मेरे लिए ऑप्शन और मेरे लिए कोई नहीं थे। ओके ओके, सो आपको ऐसे पता है कि अभी जस्ट एक किया की गाड़ी लॉन्च हुई है, बट वो सीएनजी में आती है, मैं सेटिस्फाई हूँ। अगर सपोज कोई और गाड़ी भी आती है, कोई कैरन आती है, कोई आती है पेट्रोल में आएगी जी, इसका कोई अगर टक्कर अगर कोई आएगा सीएनजी से तो मुझे कुछ लगेगा नहीं यार मैंने ये लेके गलती करी, बट अभी तक मैं सेटिस्फाई हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। सो एक चीज बोलना चाहूंगा, मारुति की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आपको? देखिए, मारुति की बिल्ड क्वालिटी में अगर मेरी मारुति की पहली गाड़ी है, ओके, मैंने इससे पहले जो गाड़ी चलाई है जो काली मेरे पास है, हुंडई की i10 है, ओके, और हुंडई की i20 भी मेरे पास है, ओके, बट मैं अगर थोड़ा सा बोलूंगा बिल्ड क्वालिटी के अंदर, बिल्ड क्वालिटी में हुंडई इससे ऊपर आता है। ओके, ये मतलब अगर हम मैं इसमें पॉइंट वाइज अगर करूंगा तो ये 9 पॉइंट आएगा और हुंडई 10 पॉइंट आएगा, ओके, आउट ऑफ 10। तो बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा है, बट ऐसा नहीं है कि मैं इसको 0 बोलूंगा, बट ओवरऑल बहुत अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी इतनी अप टू मार्क नहीं है, इंजन की बिल्ड क्वालिटी इतनी अप टू मार्क नहीं है, इंजन भी इतना एज कम्पेयर टू हुंडई और होंडा। ओके, इंजन इतना रिफाइंड लगता है आपको? इसका इंजन रिफाइंड नहीं है, इन द बेसिस ऑफ, कैसे बोलते हो आप, इन द बेसिस ऑफ नॉइस, बेसिक ऑफ नॉइस और बेसिक ऑफ पिकअप, पिकअप इसका पिकअप में जो डिफरेंस देखा है ना मैंने, सपोज ये 1500 सीसी की कार है अर्टिगा, मैंने अपनी i10 जो चलाता हूँ वो 1100 सीसी है जी, मुझे एज कम्पेयर टू उसमें ज्यादा पिकअप लगता है। ओके, सो ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगा, बट ऑल द गाड़ी सीएनजी तो थोड़े पिकअप सीएनजी में कम होती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ये भी है कि मैं स्टार्टिंग से गाड़ी पेट्रोल चला रहा हूँ, सीएनजी मैंने नहीं चलाई, बट फिर भी ठीक है गाड़ी, गाड़ी ओवरऑल ओके है। एवरेज वाइज गाड़ी बहुत अच्छी होगी, एवरेज वाइज गाड़ी अच्छी है। मैंने इसमें सीएनजी की जो एवरेज आती है अराउंड 20 के नियर बाय इन सिटी, इन सिटी और इन हाईवे, इन हाईवे भी टेस्ट नहीं करी, जस्ट नहीं लिया, जस्ट गाड़ी अभी नहीं लिया। सो काफी जो गाड़ी का कलर लिया आपने बहुत ही प्यारा है यार, मतलब बहुत अच्छा कलर लिया आपने गाड़ी का, मेरे कलर फेवरेट था, बल्कि मेरे को डीलर ने बोला सर ये कलर चलता नहीं है, आप रेड कलर ले रहे हो बहुत कम चलता है, मैग्मा ग्रे, ग्रे सिल्वर, मैंने सर मुझे वो कलर लेना ही नहीं है, ठीक है, मुझे कलर यही लेना है। बिल्कुल, मेरी स्पेशल डिमांड थी कि मुझे ये कलर चाहिए, तो जो आपने इंटीरियर कराया वो भी कुछ कलर का कराया, जो हमने कराया ना वो इंटीरियर बाहर के एक्सटीरियर के अकॉर्डिंगली कराया। बिल्कुल, जो इन्होंने काम करवाया दोस्तों, मैं आपको पूरा काम दिखाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, वो कितने का कराया वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स करने होंगे। अगर आप 100 लाइक करते हो तो मैं गाड़ी का आपको पूरा काम दिखाऊंगा, इन्होंने बाहर का काम क्या करवाया गाड़ी में, DRL वगैरह, फॉग लैम्प, उन्होंने सब कुछ आफ्टर मार्केट लगाई है जो कि बहुत ही प्रीमियम है, जो बहुत अच्छी लगी देखने में, खासकर जो ये कलर है। बाकी आप मुझे सबसे एक बेस्ट पार्ट जो लगता है गाड़ी का पॉजिटिव में वो क्या है आप बता सकते हैं?
देखिए पॉजिटिव पार्ट तो इस गाड़ी की स्पेस है, ठीक है, इस गाड़ी की स्पेस नो डाउट बहुत अच्छी स्पेस है। ओके मतलब फ्रंट लेग रूम हो गया, बैक लेग रूम हो गया, और उसके बाद पीछे का जो सबसे जो रियर सीट है दोनों की, उसमें तीन जने तो नहीं बैठ सकते, ठीक है, बट ठीक है फिर भी स्पेस ठीक है दो जने बैठ सकते हैं। मिडिल वाले इसका स्पेस बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर मिडिल वाला स्पेस देखेंगे तो बहुत अच्छा इसका स्पेस है। ओके तो मतलब पहला स्पेस हो गया, और सेकंड भी पॉजिटिव पॉइंट, सेकंड पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि गाड़ी की जो माइलेज है, माइलेज बहुत अच्छी है, एवरेज अच्छी गाड़ी की, सीएनजी की एवरेज अच्छी है, और पेट्रोल के अंदर भी 14-15 अराउंड माइलेज दे देती है, जो काफी अच्छी बात है, और सीएनजी में 22 के नियर बाय आ जाती है इसकी, बहुत अच्छी बात है। सो जैसे कि आपको पता है कि कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, करेक्ट, बिल्कुल तो गाड़ी में कुछ नेगेटिव आपको, देखिए गाड़ी में नेगेटिव तो मेरे को इसके अंदर जो एक इंजन का जो पिकअप है वो मुझे इसका नेगेटिव लगा, ठीक है, और सेकंड थिंग है कि इसका जो इंजन की जो वाइब्रेशन है, जो थोड़ा नॉइज है, थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू होंडा या होंडा, ठीक है, मुझे ये इसमें लगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी मतलब मारुति की पहली कार है, तो मे भी हो सकता है कि मुझे ज्यादा लग रहा हूँ। ओके ठीक है, बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ, जो आपने जो गाड़ी ली ऑन रोड कितने की ली थी? देखिए ऑन रोड जो गाड़ी मुझे पड़ी है, हाँ मैंने कंपनी से कोई भी एसेसरीज नहीं ली, सिंगल एसेसरीज भी नहीं, ठीक है, मतलब उनकी जो बेसिक किट होती है मैंने वो भी नहीं ली। ओके मुझे ये गाड़ी ऑन रोड प्राइस पड़ी है 11,25,000 नियर अबाउट, 11.5 लाख, 11.5 लाख, और प्लस एसेसरीज अलग है, ये एसेसरीज जो बाहर की है वो अलग है, ठीक है, सारा कुछ अलग है, मतलब एलॉयज इसमें नहीं है कंपनी से, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, मतलब कंपनी से जो मेरी बेसिक गाड़ी है सिर्फ वही है, बिल्कुल, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर चाहते हो जो भैया ने काम करवाया है वो क्या करवाया है वो पूरा जानना चाहते हो, कितने पैसे लगाए हैं, तो अभी भी कह रहा हूँ कमेंट कर दो, और इस वीडियो को 100 लाइक का टारगेट अचीव कर दो। अगर आप 100 लाइक्स का टारगेट अचीव करते हो तो मैं बता रहा हूँ मैं 200% वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाऊंगा। आपको पता है कि 100 लाइक्स का टारगेट इतना ज्यादा नहीं है, हर बार मेरे लाइक्स कमिट कर देते हो, तो इस बार भी कर देना। बाकी अगर आपसे बात करूं इस प्राइस सेगमेंट में, ये चीज भी इसमें होनी चाहिए, कुछ फीचर वगैरह की बात करूं मैं आपसे, तो आपको लगता है उसमें ये भी होना चाहिए था सेगमेंट के अंदर? कंपनी को इतनी बड़ी गाड़ी दे रहे हो तो एटलीस्ट अलॉयज तो उनको साथ में देने चाहिए, अगर जैसे VXI मॉडल दे रहे हैं ये, ठीक है, इसमें अलॉयज देने चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि जो इसके जो साइड मिरर्स हैं, साइड मिरर्स में जैसे हम डोर लॉक करते हैं, ऑटो लॉक नहीं होते, ऑटो लॉक नहीं होते, ठीक है, बंद नहीं होते, अंदर से मैनुअली करने पड़ते हैं, मतलब ऑटो फोल्डेबल के फीचर्स भी नहीं है, ऑटो फोल्डेबल फीचर्स आई थिंक वो टॉप मॉडल में भी नहीं आता, बट लेकिन ये कि मैंने आउटसाइड जाकर के एसएससी का काम करा करके मैंने वो काम करवाया है, ठीक है, वो आपको आगे पता लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल पता लगेगा। आप इस वीडियो का प्यार दो, 100 लाइक्स का टारगेट कम्प्लीट कर दो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, अगर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा प्रॉपर, एक एक चीज बताऊंगा, भैया ने जो मेहनत करी है, बेसिकली जो मेहनत होती है भैया ने करी है, क्योंकि पैसा खर्च करी है, बिल्कुल बहुत इसका जो है, इसका जो डिजाइन लेकर के बहुत मेहनत करी है, बहुत करा है, कैसे करवाना, क्या करना, स्टीयरिंग का सब कुछ, देखो आप स्टीयरिंग डबल कलर के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल सीट की मैचिंग से करता है, बिल्कुल जो स्टीयरिंग व्हील, जो यार मैंने आपको बताया दोस्तों सबसे पहली चीज, स्टीयरिंग व्हील काफी प्रीमियम लग रहा है, तो इसकी जो पकड़ है बहुत ही ज्यादा अच्छी, ग्रिपी है, वुडन की जो बिल्कुल टैपिंग है, ये वुडन टैपिंग के अंदर सिर्फ 8 पीसेज आते हैं, okay. हमने टोटल 12 पीसेज कराए हैं, ओह जो काफी पीसेज, मतलब ये गियर का होता है, इसका ये होता है मीटर का, साथ में गियर कंसोल पूरा पीसेज हमने करवाया है इसको, बहुत अच्छी बात है, मतलब गाड़ी एकदम बढ़िया लग रही है, मेरे घर गाड़ी एकदम मस्त लग रही है, और नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, जो नीचे के मैटिंग है, जो 3D मैट बोलते हैं, मैटिंग भी बिल्कुल अलग है, अलग डिजाइन है, अलग क्वालिटी है, सब कुछ ही अलग है। बाकी मैं आपको पूरा ये डिटेल बताऊंगा अलग वीडियो के अंदर, और ये नहीं कि 100 लाख के बाद रुक जाओ, प्यार बांटते रहो दोस्तों, प्यार बांटते रहो तो मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर मैं आपको दोस्तों इसकी एक बार इंजन की नॉइस चेक करा दूं, आप देख सकते हो गाड़ी सिस्टम स्टार्ट है, अगर मैं गाड़ी इसकी ऑफ करता हूं, और मैंने सिस्टम एसी भी ऑफ कर दिया, देख पा रहे हो आप, अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं, तो अगर मैं आपको बताऊं जो इसकी इंजन की नॉइस क्या है कि स्टार्ट करने के बाद, आपने भी सुना जो इसकी इंजन की आवाज थी कुछ ये है, ऑल्दो ज्यादा आवाज नहीं है इंजन में, और मैं कहूंगा कि इतनी आवाज तो दोस्तों सीएनजी में आती है, और इंजन बिल्कुल वाइब्रेट नहीं हुआ, इंजन एकदम साइलेंट है, जो काफी अच्छी बात है। ऑल दो मैं ओनर के बात से सहमत हमेशा होता हूँ, मैं ओनर के बात से सहमत हूँ कि होंडे के मुकाबले थोड़ी आवाज ज्यादा होगी दोस्तों, ये सीएनजी गाड़ी है, और मारुति सुजुकी की जो डैम्पिंग वगैरह होती है, जो बिल्ड क्वालिटी होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती बाकी कंपनीज के मुकाबले, बट इस सेगमेंट में जो गाड़ी इन्होंने ली है इसमें सीएनजी नहीं आती थी, तो इसलिए उन्होंने ये गाड़ी प्रेफर करी। आपको मैं दिखाओ जो इसका मेन गाड़ी का पार्ट है, जो लोगों का प्यार है, वो क्या है, ये सीएनजी सिलेंडर, कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, जो सिलेंडर की जो पोजीशनिंग है कुछ ऐसे देखने को मिलता है, वो देख पा रहे हो आप ऊपर, ये छोटा सा इन्होंने स्टील का, ये लोहे का जो भी है, ये कवर लगा रखा है, और ये ऐसे कवर कर रखा है जो बुरा लगे देखने में, आप देख सकते होगे यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सामान आ सकता है। हाँ, अगर आप ये दोनों सीट फोल्ड कर दोगे, पिछली सीट्स,
तो आपका सामान बहुत ही अच्छी तरह आ जाएगा। पर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर देना, भूलना मत कि 100 लाइक्स कम्प्लीट करने ही है करने, आपको चाहे जो मर्जी हो जाए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना और मुझे बताना कि आपको जो ये मॉडिफिकेशन की वीडियो है वो कब से कब जल्द से जल्द चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। जो भैया ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है वो बहुत अच्छी है। भैया का जो टेस्ट है जरूर बताना है। बिल्कुल, जो भैया का टेस्ट है ना कलर का बहुत प्रीमियम है, बहुत अच्छा है। मैं दोस्तों आपसे मिलता हूँ एक ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।